नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्टेटस। देखिए, अब बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि वो नीतीश कुमार का समर्थन करने जा रही है। अभी से कुछ देर पहले बिहार बीजेपी के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने संबोधित किया और बताया ये गया कि विधायक दल की बैठक हो गई है। विधायक दल ने फैसला कर लिया है कि नीतीश कुमार की नई सरकार को हम समर्थन देंगे, मतलब बिहार में अब भाजपा की सरकार जेडीयू के साथ बनेगी, नीतीश कुमार मुखिया होंगे। और भाजपा विधायक दल की बैठक में, देखिए विधानमंडल दल की बैठक में सम्राट चौधरी नेता और विजय कुमार सिन्हा उपनेता चुने गए हैं। विनोद तावरे जो बिहार के प्रभारी महामंत्री हैं वे भी इस बैठक में मौजूद थे। और अभी से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी खबर आपको हमारे रिपोर्टर रोहित बताएंगे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने चेहरे का भाव पढ़ने की कोशिश की सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा की। सम्राट चौधरी ने कहा कि हाँ, नीतीश कुमार की सरकार को हम समर्थन देने जा रहे हैं, बीजेपी समर्थन देने जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह का फैसला है। लेकिन चेहरे का भाव, भाव भंगिमा ऐसा था मानो उदास हैं सम्राट चौधरी इस फैसले से। आपको पता होगा कि दिल्ली की बैठक में जब अमित शाह ने बुलाई थी तब भी सम्राट चौधरी इस बात के लिए राजी नहीं थे कि बिहार में नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाई जाए। सम्राट चौधरी का कहना था कि बिहार में बीजेपी इस तरीके से अपने पैरों पर खड़ी हुई है कि वह लड़ सकती है, नीतीश कुमार को हरा सकती है। तो सम्राट चौधरी के चेहरे का भाव, और ठीक ऐसा ही भाव विजय कुमार सिन्हा जो नेता प्रतिपक्ष थे, अब नेता प्रतिपक्ष नहीं, अब तो सत्ता पक्ष के हिस्सा हो गए, क्या बनते हैं। जब पिछली बार सरकार बनी थी 2020 में तब वे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने थे, इस बार क्या दायित्व मिलता यह देखने की बात है। तो उन्होंने कहा सुशासन की स्थापना के लिए। देखिए, नीतीश कुमार को सुशासन बाबू से फिर नवाजा जाने लगा है। बीजेपी की ओर से जंगल राज की समाप्ति की बात कही, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की बात कही, और उनके चेहरे पर भी देखिए वो खुशी दिखी नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, बहुत ही संक्षिप्त प्रेस वार्ता हुई, किसी सवाल का जवाब नहीं देना था। और जब दोनों उठकर चलने को हुए तो विनोद तावरे ने कहा माला, फिर माला आया, दोनों को माला पहनाया गया, बड़ा सा माला था। तो मन, चेहरा और चेहरे की आकृति, चेहरे का प्रकटीकरण वह दिख रहा था कि बहुत खुशी नहीं है। हालांकि बीजेपी के जितने विधायक हैं वे इस फैसले से खुश दिख रहे हैं। क्यों खुश दिख रहे हैं? उन्हें लग रहा है कि हम नेचुरल एलाई के साथ लौटे हैं। 2020 में जिस गठबंधन के साथ चुनाव जीते थे वह गठबंधन फिर से वापस आ गया है, बिहार में 40 की 40 सीटें जीत सकते हैं। यह बात सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने भी कही। तो देखिए, आपको यह पता है कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे चुके हैं, उन्होंने पत्रकारों को कहा कि इंतजार कीजिए और देखिए कौन कौन लोग समर्थन देने को आते हैं। आज शाम में ही शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हो सकता है, नहीं तो कल तो हो ही जाएगा। जेपी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके आने की बात भी हो रही है। तो ये सारी खबरें चल रही है। संजय कुमार झा जो बिहार सरकार के मंत्री रहे हैं, कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, जब नीतीश कुमार ने अभी इस्तीफा दिया है, तो संजय कुमार झा गए थे नीतीश कुमार के दूत बनकर बीजेपी कार्यालय में और यह बताने कि हमें आपका समर्थन चाहिए सरकार बनाने को, और बीजेपी ने समर्थन देने का फैसला कर लिया। तो विशेष खबर, कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्या क्या कहा गया, विस्तार से आपको थोड़ी देर के बाद एक अलग वीडियो में हमारे पत्रकार रोहित सुनाएंगे, दिखाएंगे। देखते रहिए लाइव स्टेटस को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्टेटस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखिएगा, पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।